लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। युवकों ने बनाई पत्नी की अश्लील वीडियो, पति ने दुबई से लौट लगा दी घर में आग, परिवार जला। दुबई में रह रहे पति को पत्नी की अश्लील वीडियो के बारे में पता चला तो वे घर लौटा और घर में आग लगा दी। आग में वे, उसकी पत्नी व दोनों बच्चों की मौत हो गई। जेनाइन कपूरथला गांव टाला संघिया की निवासी के साथ गांव के तीन युवक जबरदस्ती करते थे। युवकों ने मारपीट कर महिला की अश्लील वीडियो बनाई और फोटो भी खींच रखे थे। युवक वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। 2 साल से दुबई में रह रहे पति को जब इस बात का पता चला तो वह अगले ही दिन घर लौट आया। पत्नी ने आप बीती बताई तो आहत पति ने पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगा दी। इस आग में 5 साल का बेटा, 7 साल की बेटी, पत्नी और खुद जिंदा जल गया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गांव के 3 युवकों और 1 महिला पर केस दर्ज किया है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक को दुबई में उसे पता चला कि गांव के 3 युवक उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, घर में जाकर पत्नी से जबरदस्ती करते हैं और उन्होंने उसकी अश्लील वीडियो भी बना रखी है। वह अगले ही दिन फ्लाइट लेकर भारत लौट आया। रात करीब 11:30 बजे वह अपने गांव काला संघिया पहुंचा। पत्नी ने उसे गांव के युवक सनी और बलकार के बारे में आप बीती बताई कि कैसे वे लोग घर में घुसकर उसके साथ गलत काम करते थे, फिर उसे पीटते थे, उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने की धमकी देते थे। इससे आहत युवक ने कमरे में जाकर घर में पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी 2 बजे तक सो चुके थे। आग लगने पर बच्चों के चिल्लाने पर पास के कमरे में सोई बहन भागकर आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। आग में युवक, उसकी पत्नी व दोनों बच्चों की मौत हो गई। घर को आग लगाने से पहले युवक ने मोबाइल पर अपनी वीडियो बनाई, जिसमें आरोप लगाए कि गांव का सनी उसकी पत्नी से गलत काम करता है और उसे पीटता है। उसने फोटो खींचे और वीडियो बनाई है। इसमें गांव के 2 से 3 और लोग भी शामिल हैं। उक्त लोगों से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। युवक की पत्नी ने मरने से पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बयान दिए, जिसमें सनी के अलावा नंबरदार सत्य नामक महिला का नाम लिया, जिनके कारण उसका परिवार बहुत परेशान था। DSP सब डिवीजन कपूरथला सरबजीत सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित गुरप्रीत सिंह उर्फ सनी, बलकार सिंह उर्फ मंत्री, उसके नंबरदार भाई तीर्थ सिंह और सनी की मां सत्या देवी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। सनी व बलकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।